रायबरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की प्रत्याशी रंजना चौधरी ने कांग्रेस की उम्मीदवार आरती सिंह को 8 वोट से हराकर अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। रायबरेली के जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिले के 52 जिला पंचायत सदस्य कड़ी सुरक्षा के बीच अपने मताधिकार का प्रयोग कर नए जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लिया गया। वोटिंग खत्म होने के बाद 3 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई, जिसमें बीजेपी की रंजना चौधरी ने अपने विपक्षी आरती सिंह को 8 वोट से शिकस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने जिला पंचायत अध्यक्ष को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। रायबरेली के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रंजना चौधरी ने चुनाव जीतने के बाद पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं को बधाई। उत्तर प्रदेश रायबरेली से राजकुमार की रिपोर्ट। मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूं, लेकिन किसी के विश्वास को तोड़ना या किसी को विश्वास को जीतना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं सभी को धन्यवाद देती हूं। कांग्रेस का गढ़ है, सोनिया गांधी सांसद हैं, उसके बावजूद उनकी सदस्य नहीं जीत पाई, अध्यक्ष नहीं बन पाई, एक बड़ी जीत है आपकी, क्योंकि रायबरेली में आपने चुनाव जीता है। इसमें कहीं ना कहीं किसी की कमी होने के कारण ही सदस्यों ने हमें चुना है, और मैं अपने हिसाब से मैं ईमानदारी के साथ मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। क्या आप प्राथमिकता होगी, आप कैसे विकास करेंगे रायबरेली का? जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा होगा, मैं उसी मुद्दे के अनुसार जनता के प्रति अपने जिले का विकास करूंगी। एक वक्त था कि पार्टी ने आपको नई टिकट दिया, फिर आप बागी हो गई, चुनाव लड़ी, बीजेपी की सरस को हराया, और अब आप बीजेपी की ही उम्मीदवार बन के चुनाव जीती हैं। इसके लिए तो मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमें अध्यक्ष पद के लिए टिकट के लिए मतलब घोषित किया गया है। मैं इसके द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करती हूँ। और जी धन्यवाद।